Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel Explore the Beauty with Priya. So guys, जैसा कि आपने thumbnail देख ही लिया है, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का रिव्यू, जिसमें मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से कुछ प्रोडक्ट परचेज किए हैं, जिनका मैं आप लोगों के सामने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने ही अनबॉक्स करके अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शो करने वाली हूँ. अपना फर्स्ट रिएक्शन उन प्रोडक्ट्स को लेके मैं आपको दिखाने वाली हूँ. मतलब वहां पे ना बहुत सारे ऐसे सेल्स वगैरह चलते रहते हैं, लाइक 799 में 3 आइटम्स, 999 में 3 आइटम्स, मतलब बहुत सारे वेराइटी ऑफ सेल है. तो मैंने उसी कैटेगरी में से कुछ मंगाया है अपने लिए. तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है स्ट्रीट स्टाइल स्टोर के साथ वो ये है कि इन लोगों की जो डिलीवरी है वो काफी लेट है. लाइक मैंने जो है 25 डेज पहले ये ऑर्डर परचेज किया था और मुझे 25 डेज के बाद जो है ये ऑर्डर रिसीव हुआ है. और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी इस प्रोडक्ट को लेके कि मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ये प्रोडक्ट देखने थे और मैं आप लोगों के सामने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शो करने वाली थी. दैट्स व्हाई मैं आप लोगों के सामने खोल के ही अभी रिव्यू करने वाली हूँ, इनकी अनबॉक्सिंग करके और साथ में ही इनको रेट करेंगे कि किस तरीके के इनके प्रोडक्ट है और कैसी क्वालिटी है और इतने प्राइस में क्या ये अफोर्डेबल है या फिर नहीं. तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर. सो गाइस, ये है मेरा पार्सल जो कि मुझे आज ही रिसीव हुआ है. इस पार्सल के अंदर मेरे को कीमती सामान है, नहीं कीमती नहीं, जस्ट किडिंग, मतलब कुछ मैंने जो मंगाया है वो सामान है. सो चलिए चलते हैं इसको अनबॉक्सिंग करते हैं. So guys, here are my top. I'm really, really excited. मतलब इनको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा excited थी कब से. तो ये है हमारे कुछ टॉप्स जो मैंने मंगाए थे स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से. ये है एक थोड़ा न्यूडिश पिंक इन कलर, अगर आपको कैमरे में विजिबल हो तो. एंड दिस इज इन ब्राउन कलर, मे बी आपको ये कलर सही से विजिबल होगा. और ये है एक ब्लू कलर का टॉप. तो चलिए एक एक करके तीनों को खोल के देखते हैं कि किस तरीके की इनकी क्वालिटी है, कैसा इनका फैब्रिक है और प्राइस के अकॉर्डिंग क्या ये अफोर्डेबल है या नहीं. तो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, ये जो तीनों के तीनों टॉप हैं वो मुझे पड़े हैं 799 रुपीज में. मतलब ये तीनों के जो प्राइस है वो 799 रुपीज है. सो गाइस, मेरा जो फर्स्ट टॉप है वो है ये वाला पिंक कलर और इसमें मैंने मंगाया है साइज M और इसका मटेरियल है रिप्ड मटेरियल, काफी स्ट्रेचेबल इसका मटेरियल है और बिल्कुल भी सी थ्रू मुझे नहीं लग रहा है ये. और इसके अंदर है दो हमारे पास रोप्स जो कि साइड साइड में है, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको इसको क्रॉप टॉप बनाना है या फिर फुल लेंथ का टॉप बनाना है. तो दिस इज माई फर्स्ट टॉप जो काफी ज्यादा प्रिटी और कूल लग रहा है. बाकी मैं अपना क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगी कि मेरे ऊपर ट्राई ऑन में किस तरीके का लग रहा है. और मैं अपनी एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं कुछ रेटिंग्स और इनकी क्वालिटी और इनके फिट के अकॉर्डिंग रेट करने वाली हूँ, तो आप उसको भी चेक करना ना भूलें. तो दिस इज माय फर्स्ट टॉप, लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी क्यूट, आई रियली लाइक दिस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप, लेट्स टेक दिस वन. मैंने आजकल ये बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को और बहुत सारे लोगों को ऐसा स्टाइल करते हुए देखा ये वाला टॉप और मैं इस पर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रही थी. मतलब कि बहुत प्रिटी लग रहा था. दिस इज लाइक आगे से ऐसा कट होता है ना टी टाइप में और पीछे से ऐसे स्ट्रेट होने वाला, उस तरीके का कुछ टॉप है. मैं बहुत ज्यादा मतलब इसको देख के थी कि मुझे भी ये स्टाइल करना है कि कैसा लगेगा मेरे ऊपर. लेट्स चेक कि कैसा आया है ये. ओके, सो दिस इज दिस क्यूट ब्राउन कलर का टॉप. As you guys can see, मतलब मैंने जो है ये सोचा था कि आगे से वी उसमें होगा, बट दिस इज नॉट इन वी शेप. ये ऐसा रेक्टेंगल टाइप का ही शेप है आगे से, मतलब स्क्वायर टाइप के शेप है. इसमें कुछ ऐसा वी वाला शेप है नहीं. इसमें भी मैंने साइज मीडियम मंगाया बट आई डोंट थिंक सो कि उस वाले से थोड़ा मुझे लग रहा है कि लूज होगा मुझे, बिकॉज इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा लूजी लूजी लग रहा है. मतलब थोड़ा ऐसे ढीला ढीला सा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है. और ये मीडियम साइज में ही है, मैंने वो भी मीडियम मंगाया था, ये भी मीडियम है. बाकी इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, इसका भी मटेरियल रिप्ड है, इसका कलर है ब्राउन. इसकी लेंथ मुझे उस वाले से थोड़ी छोटी लग रही है, मतलब इसका जो है थोड़ा क्रॉप इसका स्टाइल लग रहा है मुझे. आई डोंट नो ये स्टाइल करने के बाद कैसा लगने वाला है. बाकी मैं यहाँ पे क्लिप ऐड करने वाली हूँ तो आप चेक करके मुझे बता सकते हैं कि कैसा लगेगा. सो दिस इज द सेकेंड टॉप इन द कैटेगरी ऑफ 799 में 300 मैंने मंगाए हैं. ये उसका सेकेंड टॉप है, सेम इसका भी फैब्रिक उसी तरीके का है, ब्राउन कलर है, रिप्ड मटेरियल है, लेंथ इसकी है क्रॉप लेंथ और इसमें ना आगे इस तरीके से कुछ
स्ट्रेट से पैरेलल लाइंस बनी हुई है रिप मटेरियल के अंदर ही, इस तरीके का कुछ इसका स्टाइल है। पता नहीं मैंने इसको ऐसे वी समझ के मंगाया था, आई डोंट नो कि इसमें वी क्यों नहीं आया है, बट दिस इज ऑल्सो लुकिंग क्यूट आई गेस। सो दिस इज द सेकेंड टॉप, लेट्स मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉप। ओके सो दिस इज द थर्ड टॉप, दिस इज इन ब्लू कलर, एज यू गाइस कैन सी ये ब्लू कलर का टॉप है। ऐसा ना मेरे पास एक पहले से टॉप है इन ऑरेंज कलर, आई डोंट नो मैंने इसे क्यों मंगाया, थॉट समथिंग डिफरेंट कि कुछ और होगा ये, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट, मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा अलग है। इसका जो है ये टी शर्ट मटीरियल है, मतलब ये एक काइंड ऑफ टी शर्ट वाइब दे रहा है, नॉट गिविंग दैट प्रॉपर टॉप वाला वाइब, दिस इज गिविंग अ टी शर्ट वाला वाइब। इसमें भी मैंने साइज मीडियम मंगाया है, इसका भी वही सेम फैब्रिक है, दैट दिस इज आल्सो दैट रिप्ड मटेरियल। ये भी एक क्रॉप टॉप टाइप ऑफ काइंड ऑफ टॉप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे लूज होने वाला है, आई डोंट नो, बाकी मैं पहन के आप लोगों को दिखा दूंगी। बाकी मैंने आपको बताया कि मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं अपना पूरा फिट से लेके क्वालिटी से लेके सारी चीजों के बारे में उसमें अपना रिव्यू देने वाली हूँ, तो आप वो भी चेक करना ना भूले। सो दिस इज द थर्ड टॉप जो मेरा 799 की कैटेगरी में आया था, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो गाइज। तो ये तीन टॉप मैंने मंगाए थे फर्स्ट टाइम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने अपना साइज जो है बड़ा मंगा लिया है, आई डोंट नो, मतलब मैं फर्स्ट टाइम वहां से शॉप करी थी, सॉरी ये पीछे से पिन्नी आ रही है, तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम वहां से शॉपिंग करी थी, तो आई डोंट नो अबाउट दी साइजेस एंड ऑल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इशू हो सकता है साइज में, अगर ऐसा कुछ होगा मैं ट्राई ऑन में अगर देखती हूँ, अगर ऐसा कुछ इश्यू होगा तो आई विल लेट यू नो कि क्या सीन रहा है, मैं रिटर्न करके साइज स्मॉल मंगा लूंगी। बाकी तो आई एम लाइकिंग दी क्वालिटी एंड दी फैब्रिक इज वेरी नाइस वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इसका थोड़ा ना हल्का मटेरियल लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस, सबसे मोटा फैब्रिक इस ब्लू वाले का है, उसके बाद इसका हल्का है, और इस पिंक वाले का भी काफी अच्छा फैब्रिक है। तो अगर मैं रेट करूँ इन तीनों में से तो आई एम लाइकिंग सबसे ज्यादा ये वाला टॉप, मतलब इसकी फिटिंग मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू दीज टू, पता नहीं क्यों। बाकी मैंने मंगाए तो तीनों ही मीडियम साइज में थे, आई डोंट नो व्हाई, शायद मेरे साथ ही कुछ इशू हुआ है कि मैं अपना साइज प्रॉपरली उसमें मेंशन नहीं कर पाई। तो दीज आर दी थ्री टॉप्स जो मैंने मंगाए हैं स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से, वैसे मेरा एक्सपीरियंस इज वेरी गुड अबाउट दिस, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है, साइज तो इशू हो सकता है, तो वो शायद मेरी ही प्रॉब्लम है कि मैंने साइज सही से नहीं मंगाया। 799 में ये तीनों टॉप मिले इज वेरी गुड, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को मेरा ये जितना मतलब रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो, मतलब मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का फर्स्ट टाइम शॉपिंग किया है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर वो भी अगर किसी नई स्टोर से या स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से शॉपिंग करना चाहते हैं तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस।